फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज द एपिसोड नंबर 5 इन द टीएचजी स्पेशल जीएस सीरीज फॉर द अपकमिंग एलआईसी असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन व्हिच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 22nd ऑफ डिसंबर 2019। फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल नहमल गाई। लेट्स बिगिन। तो जो हमारा ये सीरीज देख रहे हैं उन्हें पता है कि 4 वीडियोस ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड। जिन्होंने देख लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा है तो उसका लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, वो हम ऊपर आई बटन पे दे देंगे, वहां से जाके आप चाहें तो देख सकते हैं। सो इस एपिसोड का पहला सवाल है, सौरभ चौधरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स या गेम्स? राइट आंसर ऑप्शन डी, शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉ ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस? ये आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, इसका सही जवाब जो है वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा समझा देता हूं। जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हम करते क्यों है? टू कवर द रिस्क, ठीक है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा, इंश्योरेंस में कभी भी आपको जो इंश्योर, इसमें दो लोग होते हैं, जो कंपनी इंश्योरेंस करती है उसको इंश्योरर बोलते हैं, और जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो होते हैं इंश्योर्ड। द कंपनी विच डू द इंश्योरेंस दे आर नोन एज इंश्योरर, एंड द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सो दे आर नोन एज इंश्योर्ड, ठीक है। नाउ सपोज करिए कि एक व्यक्ति है ए, ही इज हैविंग अ कार, और उनके कार में 5 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद वो जो सर्वेयर होते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि आपका 5 लाख का नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस में इनको एग्जैक्टली यही 5 लाख रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इंश्योरेंस में आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, मतलब इंडेमनिटी का मतलब, ये जो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि टू ब्रिंग द इंश्योर्ड टू सेम फाइनेंशियल पोजिशन इन विच ही और शी वॉज बिफोर द इंसिडेंट और द एक्सीडेंट। वो जो एक्सीडेंट या दुर्घटना हुई उससे पहले उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति थी उसी में उनको वापस लाना, ठीक है। अब इसमें होता क्या है एग्जैक्ट, अब आप पता तो कर पाएंगे कि कैसा कितने का लॉस हुआ है, ये आप पता कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू मेक आउट कि इन फायर इंश्योरेंस, इन मरीन इंश्योरेंस, इन मोटर इंश्योरेंस की एग्जैक्टली वॉट इज द लॉस, बट इन लाइफ इट इज इम्पॉसिबल टू मेक आउट कि किन्हीं के कर लाइफ इंश्योरेंस अगर किन्हीं ने कराया है और उनका दुर्घटना में कुछ हो जाता है तो वो बहुत मुश्किल है उनका एग्जैक्ट कितने का फाइनेंशियल लॉस हुआ ये पता करना। तो यहाँ पर इंडेमनिटी से एक चीज समझ लीजिए कि इंडेमनिटी ये कहता है कि जो भी इंश्योर्ड है उनकी जो पहले की फाइनेंशियल पोजिशन है उसी में इंश्योरर को पहुंचाना है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी इंडेमनिटी जो है उसका लॉ वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप याद कर लीजिएगा। होपफुली आपके ये जो इंडेमनिटी का डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, कुछ एक सब्सक्राइबर्स के ये सवाल आ रहे थे। अगला जो सवाल है यहाँ वो है, द 11th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड रिसेंटली विच कंट्री? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब, ऑप्शन ए ब्राजील। और इसी से मिलता जुलता है कि 11वां अगर ब्राजील में हुआ तो 12th ब्रिक्स समिट जो है जो अगले साल 2020 में होगा वो कहाँ होगा? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, रशिया। इसके बाद एक फिर से एक्विजिशन वाला सवाल है कि विच कंपनी हैज एक्वायर्ड एसआर स्टील फॉर अ सम ऑफ रुपीज 42,000 करोड़? 42,000 करोड़ में एसआर स्टील को किस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्सेलर मित्तल। ठीक है, आपने लक्ष्मी मित्तल का नाम सुना होगा, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनकी एक कंपनी है आर्सेलर मित्तल। Who has been appointed as the next Indian Army Chief? आपको पता है कि 31 दिसंबर को जो वर्तमान के आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत वो रिटायर हो रहे हैं, तो 1 जनवरी 2020 से जो कार्यभार संभालेंगे वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरावने, और 1 जनवरी से वो हो जाएंगे जनरल एमएम नरावने चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ऑप्शन सी। What is India's ranking in recently released Ease of Doing Business? Ease of Doing Business में जो भारत की ranking है वो है 63, यानी option B. Guru Ghasidas National Park has been recently declared as the 4th Tiger Reserve of the state. Name the state. ये जो Guru Ghasidas National Park जो है जिस राज्य में है उस राज्य का 4th ये Tiger Reserve घोषित हो गया है,
तो ये किस राज्य के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं? तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। अगर ये आता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पर है, तो वो उत्तर होगा छत्तीसगढ़, या गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो उस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व जिसे घोषित किया गया वो कहां पर है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। द टूरिज्म मिनिस्ट्री जो पर्यटन मंत्रालय होता है ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल टूरिज्म मार्च फ्रॉम नवंबर 23 टू नवंबर 25 एट, किस जगह इन्होंने ये आयोजित किया? सही जवाब है मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ऑप्शन डी। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड फ्रॉम नवंबर 23 टू नवंबर 26। तो ये सवाल जो है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो लोग क्या करेंगे इसे देखकर सीधा से शिलोंग या कोकराझार या कोई और ऑप्शन जो नॉर्थ ईस्ट का दिया है वहां लगा देंगे। लेकिन इसका सही जवाब ये नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी। तो अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हैं और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो काइंडली ईमानदारी से बताइएगा कि इस सवाल का जवाब, हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली और किनका किनका गलत हो गया। हु इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसका सही जवाब है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी। इसके बाद विच इंस्टीट्यूट क्रिएटेड द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस? ठीक है, इसका सही जवाब है IIIT हैदराबाद, ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड ग्लोबल एलुमनी एंडोमेंट फंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। डुटलिक 2019 was the first ever joint military exercise between India and, here the right answer is option C, Uzbekistan. Till now, how many countries have signed International Solar Alliance framework? The right answer is not 81, the right answer is option A, 83, because recently Eritrea and St. Kitts and Nevis have signed. First government hospital in the country to start robotic surgery is, right answer is option B, Safdarjung Hospital, Delhi. First ever day-night test match in India was held at which stadium? Chinnaswamy, Bengaluru? Nahi. Nahar Singh, Faridabad? Nahi. Green Park, Kanpur? No. The right answer is Eden Gardens, Kolkata, option D. Yuddha Abhyas is a military exercise between India and United States of America, option B. Now, this is also a very important question, like indemnity. A legal right held by most insurance carriers to legally pursue a third party that caused an insurance loss to the insured is known as. इसमें आपको ये बता दें कि suppose करिए एक अशोक नाम के व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी कार की 5 लाख की इंश्योरेंस ले रखी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस से, ठीक है, NIACS। अब जो यहां पर अशोक है वो कहीं रास्ते में जा रहे हैं और पीछे से एक दूसरी जो गाड़ी है इनको टक्कर मार देती है और इनके कार का 2 लाख का नुकसान हो जाता है। तो इन्होंने 5 लाख तक का इंश्योरेंस लिया था। सो न्यू इंडिया इंश्योरेंस क्या करेगी, सर्वेयर को भेज के वो जो भी नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाकर फिर कागजी कार्रवाई करके 2 लाख रुपए जो है वो अशोक को दे देंगी। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करेंगी, इनको पूरा अधिकार है न्यू इंडिया इंश्योरेंस को कि जिस कार वाले ने अशोक जो है उनकी कार को टक्कर मारा था, समझ लीजिए इनका नाम हो गया मोहन, तो यहां पर जो मोहन है जिनकी कार से अशोक को, अशोक की कार को टक्कर लगा था, तो ये NICL का पूरा अधिकार है मोहन से ये जो 2 लाख रुपए हैं वो वसूलने का। ठीक है, यहां पर यही कहा गया है कि यहां पर NICL हैज अ लीगल राइट टू परस्यू द थर्ड पार्टी दैट इज मोहन विच हैज कॉज्ड द इंश्योरेंस लॉस टू द इंश्योर्ड, हियर द इंश्योर्ड इज अशोक, सो दिस All this legal right, it is known as subrogation. ठीक है, होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। सबरोगेशन जो है वो एक कानूनी अधिकार है जो कानूनी जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी उसे वो कानूनी अधिकार मिला है कि जिसका जिसको उन्होंने इंश्योरेंस दिया
अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण उनको नुकसान पहुंचता है तो वो तो अपने जिनको इंश्योरेंस दिया है उनकी भरपाई कर देंगे, लेकिन जो भरपाई हुई है उसको जो है वो बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं जो थर्ड पार्टी है जिनके कारण वो दुर्घटना हुई उनसे। तो इस अधिकार को बोलते हैं सबरोगेशन का अधिकार। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों की रिक्वेस्ट थी और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे को इंश्योरेंस डबल इंश्योरेंस इन सब टॉपिक्स पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। बाकी ये हमल का प्रेजेंटेशन थी एपिसोड नंबर 5। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि अभी बहुत कम दिन रह गए तो जितना जल्दी हो सके और भी एपिसोड्स और एक महा एपिसोड आपके लिए जरूर लेके आएंगे इसी का। तो बस इतना ही। अब हाँ इसकी जो PDF है वो आज अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल तक आपको जरूर एक PDF, जैसे कल 50 का एक PDF ऑलरेडी दे चुके हैं, वो जाके आप देख सकते हैं, कम्युनिटी टैब में भी है हमारे, और जो पिछला वीडियो था वीडियो नंबर एपिसोड नंबर 4 उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। तो वहां से जाके आप वो 50 क्वेश्चन का PDF 1 देख सकते हैं। PDF 2 बहुत जल्द शायद कल जो है हमारी टीम उस पर लगी हुई है वो आपके सामने आ जाएगा। और कोशिश करेंगे ऐसे ही और भी जितने PDF हो सके 21 से पहले, 22 को तो एग्जाम ही है, खैर कोशिश करेंगे 20 तक आपके लिए ला सके। तो वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, दीजिए मुझे इजाजत, रखिए आप अपना अपने परिवार अपने देश का बहुत सारा ख्याल। नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।